अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आमिर, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 17 डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम बेटा हमने लेक्चर 3 में स्ट्रेस के बारे में डिस्कस किया था। आज का हम लोग स्ट्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रेन क्या होती है? हमने बताया था कि स्ट्रेस वो फोर्स है जिसकी वजह से बॉडी में डिफॉर्मेशन आती है। अब स्ट्रेस की वजह से कितनी डिफॉर्मेशन हुई है बॉडी में, कितनी उसकी लेंथ चेंज हुई है, कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है या कितनी शेप चेंज हुई है, तो उस डिफॉर्मेशन को मेजर करने का जो तरीका है, वो जो डिफॉर्मेशन की मेजर है वो स्ट्रेन। सो डिफाइन हम इसके लिख सकते हैं, मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन इन ए सॉलिड ड्यू टू स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेन। ठीक हो गया जी, कि स्ट्रेस की वजह से जो डिफॉर्मेशन हुई है उसकी जो मेजरमेंट है वो स्ट्रेन कहलाती है। तो हम सकते हैं स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। अब डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? लेंथ, वॉल्यूम या शेप। इसको लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, या चेंज इन शेप बाय ओरिजिनल शेप। तो मैंने डायमेंशन लिख दिया है। डायमेंशन का मतलब तीनों है, बारे बारे तीनों को डिस्कस करते हैं। अब स्ट्रेन के तीन टाइप्स है। नंबर वन बेटा हमारे पास है टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन होगी उसे हम टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे। तो हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन का जो फॉर्मूला आता है वो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। बेटा चेंज इन लेंथ को हम लोग डेल एल से रिप्रेजेंट करेंगे और ओरिजिनल लेंथ एल से। अब हम इसके अगर यूनिट की बात करें या डायमेंशन की बात करें, देखें ऊपर की लेंथ नीचे की लेंथ, तो हम कह सकते हैं स्ट्रेन या टेंसाइल स्ट्रेन दो सेम क्वांटिटीज का रेशियो है। जब दो सेम क्वांटिटीज का रेशियो है तो कोई यूनिट नहीं आएगा और कोई डायमेंशन भी नहीं होगा। तो दूसरी टाइप हमारे पास जो है वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसको हम सकते हैं स्ट्रेन ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो क्या मतलब हुआ? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन होगी उसका नाम बन जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो फॉर्मूला चेंज इन लेंथ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम को आप डेल वी से रिप्रेजेंट करेंगे, ओरिजिनल वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर वही बात, दो सेम क्वांटिटीज का रेशियो है तो कोई यूनिट भी नहीं होगा और कोई डायमेंशन भी नहीं होगा। तो ये हमारे पास सेकंड टाइप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जो बेटा थर्ड टाइप है वो शियर स्ट्रेन। तो वही बात, स्ट्रेन ड्यू टू शियर स्ट्रेस इस कॉल्ड शियर स्ट्रेस। हम जानते हैं शियर स्ट्रेस जो है वो शेप चेंज करती है। तो हमारे पास क्या होगा? चेंज इन शेप बाय ओरिजिनल शेप। अब चेंज इन शेप का क्या मतलब है बेटा? एक एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास एक बॉक्स है ये ब्लू कलर का। इस बॉक्स पर यहां से एक फोर्स लगाई गई है। जब इस पर फोर्स लगाई गई है तो बॉक्स की ये वाली साइड जो है इसके डायमेंशंस क्या हो गए? चेंज हो गए। जो हमारे पास ये ए साइड थी यहां से शिफ्ट होके यहां पर आ गई। अब जो चेंज इन साइड ए हुई है, साइड का नाम ए है, जो चेंज हुआ बेटा उसको हम कहते हैं डेल ए। तो जो डेल ए है ये हमारे पास क्या है? चेंज इन शेप है। तो जो ए थी बेटा ये हमारे पास क्या थी? ओरिजिनल शेप थी। तो अब जब हम रेशो लेंगे चेंज इन शेप बाय ओरिजिनल शेप, तो ये हमारे टेन थीटा बन जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास बन जाएगा परपेंडिकुलर ट्रायंगल का और ये क्या बन जाएगा? बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस हमारे पास क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो ये हमारे पास था शियर स्ट्रेन। अच्छा, अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल हो, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, टेन थीटा जो है वो थीटा के बराबर होता है, तब बेटा हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा आर इज इक्वल टू थीटा के बराबर, क्योंकि टेन थीटा क्या बन गया? थीटा बन गया। देख सकते हैं आर इज इक्वल टू थीटा फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा। और याद रखिएगा कि थीटा जो होगा हमेशा रेडियन में होगा, रेडियन ही थीटा का क्या है? एसआई यूनिट है। तो बेटा यहां तक हमारे पास स्ट्रेन खत्म हुई। स्ट्रेन के बाद बेटा हमारे पास कुछ और डेफिनेशन है।
इलास्टिक कांस्टेंट्स को हम कहते हैं। इलास्टिक कांस्टेंट्स पढ़ने से पहले हमें हुक्स लॉ रिवाइज करना है। हुक्स लॉ क्या होता है, हम ये कहते हैं विद इलास्टिक लिमिट अप्लाइड स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। जितनी स्ट्रेस ज्यादा बॉडी पर अमल करेगी उतनी ही डिफॉर्मेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। और डिफॉर्मेशन क्या होती है, स्ट्रेन होती है। मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होती है, स्ट्रेन। मतलब क्या हुआ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जब प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे तो क्या लगाते होते हैं, कॉन्स्टेंट लगाते होते हैं। अब क्या बन जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इन टू स्ट्रेन। अगर हम इस कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करना चाहें, स्ट्रेन जो हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा स्ट्रेस के नीचे, तो कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये जो कांस्टेंट है इसे हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर की बात, जो कि हम पढ़ चुके हैं स्ट्रेस के तीन तरह से है, स्ट्रेन के तीन तरह से है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस और स्ट्रेन पे डिपेंड कर रहा है। इसकी भी क्या होगी, तीन टाइप्स होंगी। पहले टाइप का हमारे पास क्या है, यंग मॉडुलस। सेकंड का क्या हमारे पास, बल्क मॉडुलस। और थर्ड क्या है, शियर मॉडुलस। अब यंग मॉडुलस क्या होता है, ये मतलब रेशियो है, क्योंकि हमने कहा ये जो कांस्टेंट है स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो है। इस कांस्टेंट का नाम क्या बन जाएगा, यंग मॉडुलस। और स्ट्रेस कौन सी, टेंसाइल स्ट्रेस की रेशियो टेंसाइल स्ट्रेन के साथ। तो बेटा टेंसाइल स्ट्रेस का तो एक ही फार्मूला है, फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेन हमारे पास क्या है, टेंसाइल डेल एल बाय एल। अभी हमने यहां शुरू में पढ़ा डेल एल बाय एल, तो यहां भी हमने वो ही यूज किया, टेंसाइल स्ट्रेन डेल एल बाय एल। इसको अरेंज कर देंगे यंग मॉडुलस का, एक हमारे पास ये फार्मूला हासिल हो जाएगा। फिर बेटा हमारे पास बल्क मॉडुलस है, ये बेटा लेंथ के लिए, वॉल्यूम के लिए, और थर्ड क्या होगा, शेप के लिए। तो हमारे पास क्या होगा, बल्क मॉडुलस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये रेशियो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के साथ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। आप इसको अरेंज करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, किसका बेटा, बल्क मॉडुलस का। थर्ड शेप के लिए ये भी रेशियो है बेटा, किसकी, शियर स्ट्रेस की शियर स्ट्रेन के साथ। शियर स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन बेटा हमारे पास क्या होती है, टेन थीटा। तो ये हो गया शियर मॉडुलस का फार्मूला। अब अगर मैं इलास्टिक मॉडुलस जो हमारे पास है, तीन होते हैं, यंग मॉडुलस है या बल्क मॉडुलस है या शियर मॉडुलस है, इनके यूनिट्स की बात करूं या डायमेंशंस की बात करूं, तो जो बात ये है कि जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट जो है ये है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की रेशियो। स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब जो स्ट्रेन है ना, इसके बारे में बता चुके हैं आपको, स्ट्रेन जो है ये डायमेंशन लेस है और क्या है, यूनिट लेस है। स्ट्रेस जब डायमेंशन लेस है और यूनिट लेस है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास इलास्टिक मॉडुलस है या मॉडुलस इलास्टिसिटी है, उसके डायमेंशन किसके होंगे, स्ट्रेस वाले होंगे। और वो बड़ा क्या होते हैं हमारे पास, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम पास्कल भी कहते हैं। तो आपको एक की पॉइंट याद रखना है कि जो हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये जो हमारे पास या यंग मॉडुलस जो है, इसके डायमेंशन बेटा किस जैसे होते हैं, प्रेशर जैसे होते हैं, या किस जैसे होते हैं, स्ट्रेस जैसे होते हैं। ये तीन क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके यूनिट्स एंड डायमेंशंस क्या है, सेम है। तो आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखना है बेटा। तो बेटा ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ, बुक से पढ़िएगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी। अल्लाह हाफिज़।